आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा की तरफ से केके रिजॉर्ट बोड़ी से एक सनातन जोड़ो यात्रा प्रारंभ की गई है, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निकाली गई है। तो अक्षय तृतीया एक ऐसा त्यौहार है, इस दिन भगवान परशुराम जी का प्रकट उत्सव है। आज ही के दिन माता अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई थी, आज ही के दिन भगवान केदारनाथ जी के कपाट भी खुलते हैं। तो ये तिथि बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी गई है हिंदू समाज में। तो आज वाले दिन ये जो यात्रा निकाली गई है, जो केके रिजॉर्ट बोड़ी से प्रारंभ हुई और हर की पौड़ी में इसका समापन होगा, जम्मू के मुख्य बाजारों से निकलती हुई, और जम्मू के मुख्य बाजार बड़ी शुभकामनाएं दे रहे हैं और बड़ा ही अच्छी तरह से स्वागत कर रहे हैं यात्रा का। तो भगवान परशुराम जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे और ऐसे ही हम अपने त्यौहार मनाते रहें। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमेशा सच्चाई की ओर ही लेता है और अच्छे कामों की ओर ही लेता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि जूथ ऐसे काम कर रहे हैं, तो भविष्य में भी ऐसा ही जूथ काम करते रहें, हम तो यही शुभकामनाएं देंगे। तो मेन आपका मीडिया का बड़ा रोल है, आपके माध्यम से ही जूथ जो है ये चीज़ें देखता है और समाज में बाहर आता है। तो आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि आप एक अच्छा जो कार्य कर रहे हैं उसकी वजह से ही जूथ सनातन की ओर बढ़ रहा है। परशुराम जयंती है, ये हमारे जम्मू में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में मनाई जा रही है। और आज से नहीं, अनादि काल से ये चलता आ रहा है, क्योंकि आज जो इतिहास जो पुराना है, आज अगर हम ये झांकियां निकलेंगी तभी तो नई पीढ़ी को पता लगेगा हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते। जब बड़ा जुल्म बड़ा था तभी तो परशुराम जी प्रकट हुए थे, और प्रकट होने के बाद उन्होंने जो दुष्टों का संहार किया। और आज जो यात्रा निकली है, और एक ये जो मैसेज है भगवान राम के नाम का, पूरी जितनी भी यात्रा है, जय श्री राम, जय परशुराम, जय बलराम। क्यों? भगवान के नाम का जो अगर हम राम राम लिख के ऊपर पानी के ऊपर वो तर सकते हैं, तो इंसान अगर राम राम बोलेगा तो उसका क्या होता है। राम राम बोलने से जो जिसके भी कान में आवाज़ जाती है उसका कल्याण होता है। उसी से ही धर्म पे ये सारी चीज़ें चलती हैं, जो अधर्म होता है वो उनका नाश होता है, और धर्म की जय जयकार होती है। हमें धर्म की ही जय जयकार करनी है, अधर्म की जय जयकार नहीं करनी। जो अच्छी बात है उसे अंदर धारण करना है, जो बुरी चीज़ है उसके अपने पास आने नहीं देना। तो जब हम अच्छी चीज़ को धारण करेंगे तो सब लोग अच्छा ही देखेंगे, जब हम बुरी चीज़ को पास आने ही नहीं देंगे तो बुरा कैसे कहेगा कोई। तो इसीलिए परशुराम जी ने, इतिहास बहुत बड़ा लंबा है मगर जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, आज जो पीढ़ी करोड़ों वर्षों के बाद भी परशुराम जयंती मनाई जा रही है। देखिए, हनुमान जी के करोड़ों मंदिर हैं पर रावण का एक भी मंदिर नहीं है। उन्होंने जो काम किया वो निंदनीय था, और हनुमान जी ने काम किया वो सहारनीय था। तो इसके लिए उनके मंदिर हैं, उनका चालीसा पढ़ा जाता है। कहीं है कि रावण का भी कोई चालीसा पढ़ता है? दूसरों का कोई चालीसा नहीं पड़ेगा। अभी कितने विद्वान थे, छोटी सी ही गलती हुई जो सब कुछ भुगतना पड़ा। तो इसलिए हम अच्छा काम करें जिससे इस लोग के भी और उस लोग के भी हमारी सराहना करें। जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए यही मैसेज है कि वो अच्छा काम करें। आज भी आप देखो पुंछ में कोई ना कोई ऐसा कोई काम हो रहा है जिससे बहुत बड़ा निंदनीय किया जाता है। ये धर्म धरती है, जम्मू कश्मीर पूरा भारतवर्ष ये धर्म में ही है।
यही पे सब प्रकट हुए, देवी देवता प्रकट हुए, भगवान जहाँ प्रकट हुए और बाहर कहीं नहीं हुए। और इस देश में रहकर भी हम बुराई में जो चलेंगे तो कहें